नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर में बेंगलुरु से आया एक युवक कोरोना संक्रमित मिला। युवक झांसी में ही कोरोना की जांच में कोविड पॉजिटिव मिला था। इसके बाद भी वह गांव चला आया। अब सीतापुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ट्रेस कर उसका सैंपल लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि युवक के किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, फिर भी वह झांसी में संक्रमित पाया गया है, इसलिए उसका सैंपल लेने के बाद होम क्वारंटाइन कराया गया है और दवाइयों की किट भी दी गई है। मामला पिसावा थाना इलाके का है। यहां का मोहरनिया गांव निवासी जैनेन्द्र बेंगलुरु में रहकर एक मिल में काम करता है। वह छुट्टी लेकर अपने घर वापस आ रहा था तो झांसी में उसकी कोविड पॉजिटिव के लिए सैंपल लिया गया। जांच रिपोर्ट आने से पहले ही बिना बताए वह अपने घर चला गया। झांसी में युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मरीज नहीं मिलने पर ढूंढना शुरू कर दिया। वहां की टीम ने सीतापुर की स्वास्थ्य विभाग की टीम को बताया। पिसावा सीएससी पर डॉक्टरों को जानकारी मिलते ही वह बिना समय गंवाए ही युवक के गाँव पहुँच गए। युवक को कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी देने के साथ ही उसका सैंपल भी लिया गया। पिसावा सीएससी प्रभारी डॉक्टर सर्वेश कुमार ने बताया कि युवक सहित उनके परिवार और गांव वालों को सजग रहने की सलाह दी गई है। साथ ही युवक के संपर्क में आने वाले 25 लोगों का सैंपल लिया गया है। चिकित्सकों की टीम ने संक्रमित युवक को होम क्वारंटाइन करा दिया है। दवाई की भी किट दी गई है। साथ ही गांव वालों को कोरोना से बचाव के भी टिप्स दिए गए हैं।